Assalamu alaikum students, मैं रहने मतान आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एसेट के बारे में ये कुछ लेक्चर्स दूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसके जरिए आप जो है वो बहुत आसानी से जो एमएस एक्सेल को सीख सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ये जानते हैं एमएस एक्सेल हम किस तरह से लोड कर सकते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो अमूमन ये आपको इसका आइकॉन जो आपके स्क्रीन पर मौजूद होता है, अगर वो मौजूद नहीं आ रहा है या आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप सर्च विंडो के अंदर जो है वो सिंपल एक्सेल लिखें। जैसे ही आप इसके लिखेंगे तो ऐसे की विंडोज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। स्क्रीन मौजूद है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन दिलाई जाती है। इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बहुत सारी टेम्पलेट्स मौजूद हैं, तो ये इनमें से जब जिस टेम्पलेट के ऊपर हम इनिशियली काम करेंगे वो ब्लैंक वर्कशीट के नाम से है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे सामने एक ब्लैंक वर्कशीट आ जाएगी। आप सबसे पहले मैं आपको जो इस ब्लैंक वर्कशीट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि जी ये किसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इस स्क्रीन पे सबसे पहले हम टॉप के ऊपर अगर नज़र डालें तो इसके ऊपर छोटे छोटे से कुछ आइकन आ रहे होते हैं। सेंटर में बुक वन डॉट एक्सएल दिखा रहा होता है, यानी कि जो हमारा बुक का नाम हो रहा होता है वो उस पर डिस्प्ले हो रहा होता है। कुछ मिनिमाइज कुछ इसको बंद करने के, क्लोज करने के और कोई इसको मिनिमाइज करने वाला के बटन्स वगैरह आइकॉन्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम थोड़ी डिटेल में आगे जाके पढ़ते रहेंगे या खुद ही हमें समझ में आ जाएंगी। इसके नीचे वाली लाइन के अंदर हमारे पास जो है वो फाइल लिखवा रहा है, होम लिखवा रहा होता है, इंसर्ट लिखवा रहा है, लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू वगैरह हैं। ये सारे के सारे जो हैं इसके जो है वो टैब्स कहलाए जाते हैं। जैसे जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो इसके हिसाब से इसकी अपने फंक्शंस या इसके अपने जो भी बार्स वगैरह हैं वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी फाइल को ऊपर क्लिक किया था तो फाइल के हिसाब से मुझे जितने भी इसके फंक्शंस थे या जितने इनके यूजर्स थे वो सामने आ गए। ये कैसे काम करते हैं ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे के लेक्चर्स में देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो होम गाइड बटन आ रहा है, जैसे कि आपने देखा कि जैसे इस टैब के अंदर जो है वो बहुत से आइकॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे आइकॉन जो हैं वो होम से रिलेट करते हैं। इन तमाम आइकॉन्स को हम एक्सेल की जबान के अंदर जो है वो रिबन्स कहते हैं। इनका अपने अपने काम है और इन्हीं के जरिए से हम अपनी वर्कशीट को जो है वो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करते हैं। इसके अलावा इसमें जो टैब का करते लेआउट आ रहा है या टैब का इंसर्ट का टैब आ रहा है जिसमें इसके से एक नीचे एक और रिबन आ रहा है और इसके इससे रिलेटेड जो है सारे आइकॉन्स आ रहे हैं। अगर मैं पेज लेआउट पे करूँ ये टैब जो है वो पेज लेआउट का टैब है और इसके अंदर जो जितने भी रिबन्स आ रहे हैं जितने भी आइकॉन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो इस पेज लेआउट की से रिलेट करते हैं। यानी कि अगर मुझे पेज लेआउट के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, कोई पेज मुझे प्रिंट करना है, कोई पेज मुझे जो उसमें करना है, तो सारी चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से फार्मूला है, इसी तरह से डेटा है, इसी तरह से रिव्यू है, इसी तरह से व्यू है, इन तमाम के अंदर में जो वो इनके अपने अपने रिलेटेड आइकॉन्स आ रहे होते हैं या अपने अपने रिबन्स आ रहे होते हैं। इससे नीचे जो है वो हमारे पास एक नेम बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम एक्सेल की ज़बान के अंदर नेम बॉक्स कहते हैं। इसमें दो चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं, यानी कि ए वन लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली एड्रेस कहलाया जाता है उस कर्सर का, उस कर्सर का जो हम मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो इस नेम एड्रेस के अंदर या नेम बार के अंदर ये वो भी मूव कर रहा है। यानी कि अगर वो उसे लोकेशन बता रहा है मुझे कि बेसिकली मैं कहाँ, मेरे कर्सर कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे और बहुत आसान भी चीज़ है, हम ये खुद भी समझ जाएंगे। इसके अलावा हमारे सामने एक और लंबी सी बार आ रही होती है जिसको हम जो है वो फार्मूला बार कह रहे होते हैं। ठीक, हम एक्सेल के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो हम बेतहाशा फार्मूले वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इन ये कौन से फार्मूले होते हैं, ये कैसे पता चले, ये सारे के सारे जो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहे होते हैं इस बार के अंदर। ठीक, अब वो इसके नीचे जो है वो हमारे पास एक और लाइन आ रही होती है जिसके अंदर ए बी सी डी वगैरह लिखी होती है। इन ये ए बी सी डी जो है कंप्यूटर की जबान के अंदर या एक्सेल की जबान के अंदर कॉलम कहलाए जाते हैं। ठीक है, इनकी एक पर्टिकुलर तादाद होती है जो कि हमारे पास एक्सेल 2016 के अंदर जो है वो ए से लेके एक्स डी एफ तक होती है। कैसे हम मालूम कर सकते हैं, यानी कि इसके आखिर तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो उसकी आखिरी कॉलम आ जाएगा। यानी कि कॉलम लास्ट कॉलम ये वो एक्स एफ डी कराया जा रहा है, यानी कि इसकी लिमिट जो है वो ए से लेके एक्स एफ डी की है इस कॉलम, इन कॉलम की जो हम एक वर्कशीट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम इसे वापस उस पर होम करके वापस आते हैं तो इसकी
इन कॉलम के साथ जब मैं इस वन को सिलेक्ट करूंगा तो इस एक पर्टिकुलर पूरी रॉ जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हम रॉ कहते हैं और इन चीज़ों को हम जो ए बी की जो होती है इनको हम कॉलम कहते हैं। इन रॉ की तादाद जो होती है वो एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर जो है वो वन से लेके और जब मैं इसको भी एंड तक लेके जाऊंगा तो मुझे मेरे पास 1048576 आ रही होती है, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है नंबर ऑफ रॉस की, यानी कि एक शीट के अंदर हम इतनी रॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन हमें इतनी ज़्यादा रॉस की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, हम इससे कम और काफ़ी कम रॉस के अंदर भी काम कर लेते हैं, ना ही हमें इतनी कॉल। बहरहाल एक काफ़ी बड़ी स्प्रेडशीट हमको दे दी गई है जिसमें हम अपना काम जो है बहुत बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसके अंदर तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्सेल का कॉन्सेप्ट है, जो जैसे कि मैं आपको ये कर्सर को मूव करके बार बार दिखा रहा हूँ, ये कर्सर जो होता है इन बेसिकली इन सेल्स के अंदर मूव कर रहा है, हम जहाँ सेल्स की लोकेशन हमें जो है वो इस नेम बार के अंदर जो नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें यानी कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 इन सेल के अंदर इस सेल की एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर रहते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपने डेटा को जो है वो इंटर कर सकते हैं और उससे मुख्तलिफ किस्म का काम ले सकते हैं, जैसे जो जिस तरह का हम काम करना चाहते हैं वो हम इसमें रहते हुए काम कर सकते हैं। एक्सेल की जो डेटा शीट है वो बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी मौजूद है। इसको हम जो वो छोटे से काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम बड़े से बड़े काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे से काम से बना दिए कि आप इसको अगर अपने ज़ाती तौर पर किसी डेटा के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप स्कूल में इस्तेमाल करना चाहें, स्कूल की जो वर्कशीट है, स्कूल की जो अटेंडेंस शीट है, स्कूल की जो मार्कशीट्स है वो अगर बनाना चाहें तो वो इसके लिए भी बहुत आसान इसमें बहुत आसानियाँ मौजूद हैं। इसी तरह से इसको जो है वो हम अगर किसी ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो ऑफिस के हर तरह के इस्तेमाल का टूल शीट के अंदर मौजूद है, क्योंकि हम वक्तन पर वक्तन देखते जाएंगे और ग्रेजुअली हम सीखते चले जाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस आगे तक लेके जाऊँ ताकि आपको कहीं भी जहाँ चाहे किसी भी लेवल पर काम करना चाहें उस एक्सेल की शीट से आसानी से काम कर सकें। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि ये एक्सेल की शीट क्या होती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैंने आपको बताया कि वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल में जो है वो कॉलम होते हैं, वर्टिकल में जो है वो रॉज होती हैं, ठीक है। इसमें सेल एक सेल मूव कर रहा होता है, सिक्स सेल के अंदर हम जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं इमेज और से हम मुख्तलिफ किस्म का काम लेते हैं। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर आ जाएँ जहाँ मेरे कर्सर मूव कर रहा है तो यहाँ शीट वन लिखा हुआ है, ऐड का बटन दिया हुआ है, यानी कि मैं अगर प्रेस करूँगा तो शीट टू आ जाएगी, शीट एक और प्रेस करूँगा तो शीट थ्री आ जाएगी। इस तरह से मैं इसके ऊपर जो है वो मल्टीपल किस्म की शीट्स भी ये अप्लाई कर सकता हूँ, उन शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि अगर मेरा काम एक से ज़्यादा शीट्स का है तो मेरे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी शीट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ सिंपल एक ऐड के बटन प्रेस करने से। अगर कोई शीट मेरे लिए काम की नहीं है तो मैं उनको डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसा कि मैं आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा कि वो अगर बेकार हो गई है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास एक बार आ रही है जिसको हम जो वो वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं, और एक बार हमारे पास आ रही है जिसको हम वर्टिकल बार कहते हैं। ये बार जो है बेसिकली आपको इस स्क्रीन इस एरिया में जहाँ सेल का एरिया है, जहाँ सेल मूव कर रहा होता है उसके उसको फैसिलिट करने के लिए बनाई गई है। यानी कि अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये शीट जो है वो मूव करती रहेगी, यानी कि आपको आगे का डेटा जो फर्स्ट करेंगे आपको स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा और आपने और कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको हॉरिजॉन्टली मूव करके जो है वो देख सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल इनके सेल्स को मूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वर्टिकल बार को मूव करेंगे तो ये इसको भी आप डाउन और अप और डाउन करके इस इन कॉलम्स को जो है मूव कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो है डेटा कहाँ तक मौजूद है, ठीक। अब हम छोटी सी बात करते हैं कि हमने ये बार थोड़ा सा सभी देख लिया कि इस शीट के अंदर जो है वो टैप्स होते हैं, इस शीट के अंदर जो है वो रिबन्स होते हैं, वो रिबन्स जो हैं वो मल्टीपल आइकॉन्स के अंदर डिपेंड मल्टीपल आइकॉन्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ या उसके साथ रिलेट किए जाते हैं या काम आते हैं, और उन्हीं तमाम रिबन से, उन्हीं तमाम आइकॉन से हम फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो है वो रॉस का और कॉलम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि रॉ क्या चीज़ होती है, उसकी लिमिट क्या होती है, कॉलम क्या चीज़ होती है, उसकी लिमिट क्या चीज़ होती है, सेल क्या चीज़ है, उसमें हम कैसे काम करते हैं, ठीक। शीट्स के लिए क्या होती हैं और उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं या उनमें हम किस तरह से डिलीट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि हम इन शीट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन जाहिर सी बात है जैसे मैंने आपको बताया कि इन शीट्स के अंदर हम
मुख्तलिफ किस्म का काम करते हैं। अगर हम अपना पर्सनल काम करना चाहें तो वो भी स्टोर कर सकते हैं, अगर हम अपना ऑफिस का काम करना चाहें तो उसके लिए भी मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, उसके लिए भी शीट्स बना सकते हैं, और अगर हम जो वो स्कूल की कोई शीट काम या कोई स्कूल का कोई काम करना चाहें तो वो भी हम इन शीट्स का काम कर सकते हैं। हम बेसिक उस पर चलेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं या किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इन सेल्स के अंदर हम जो है वो तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मैं 1 2 3 जो वो फीड करूँ, तो मैं इस तरह से आराम से मैं 1 2 3 4 फीड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मैं कॉलम बी के अंदर जो है वो अपने अपने दोस्तों का नाम जो वो सेव कर सकूँ। मैं कर क्या करूँगा कि मैं अपना अपने दोस्तों का नाम जो वो उसमें सेव करना शुरू कर दूँगा। जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे देखें आप बड़ी आसानी से मैं इसके अंदर भी अपना और अपने दोस्तों का नाम जो टाइप कर रहा हूँ। ठीक, तीसरी के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जी ये नाम हो गया, अब मुझे उनके अपने मैं पर्सनल शीट बना रहा हूँ, उनका एड्रेस भी आना चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो मैं कोई भी एड्रेस जो उनका एड्रेस है वो आराम से टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पूरा पूरा एड्रेस टाइप नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम इस तरह से एड्रेस टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम के अंदर मैंने एड्रेस टाइप कर दिया, दूसरे तीसरे चौथे के अंदर आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। मैं यहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट किया कैसे किया जाता है ये कैसे से ये भी मैं आपको आराम से या आगे भी चीज के अंदर बताते चला जाऊँगा। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको आसानी आपकी आसानी के लिए बहुत आसान तरीके से बताऊँगा ताकि आप उसे समझें और इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। चौथे कॉलम के अंदर यानी कि जो कॉलम डी है उसके अंदर जो है वो मैं इनका सेल नंबर या उनका मोबाइल नंबर जो है वो सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इनका मोबाइल नंबर वगैरह भी मैं मेंटेन डाल रहा हूँ, मैं उन्हें मोबाइल नंबर भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने शीट के अंदर सीरियल नंबर डाल दिया, यानी मेरे दोस्तों के लिस्ट नंबर नामों की जो लिस्ट है वो आ गई, नाम आ गए उनके, उनका एड्रेस आ गया, उनके सेल नंबर आ गए। ठीक है, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मैं इसमें सेव करना चाहूँ तो वो भी सेव कर सकता हूँ। फिलहाल मैं क्योंकि मैं आपको सिर्फ डिटेल भी बता रहा हूँ तो मैं फिलहाल उसी के ऊपर यहीं तक छोड़ता हूँ। बाकी जो हम आगे जो शीट्स वगैरह हैं जो हम प्रॉपर शीट्स वगैरह बनाएंगे उनमें देखेंगे। ठीक, अभी मैंने एक शीट बना ली, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहता हूँ। ये मेरे पास 10 20 15 50 100 जितने भी मेरे अपने दोस्त होंगे उनकी शीट बन सकती है। ठीक है, इसको मैं जो हूँ वो यहाँ पर बना लेता हूँ। अब क्योंकि शीट मैंने बना ली, इनको मुझे पता नहीं चल रहा कि ये इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, तो इनके ऊपर कुछ ऐसी ऐसे टैग्स होने चाहिए या ऐसे हेडिंग्स होने चाहिए जिसमें मुझे पता चलेगी कि ये मैंने क्या स्टोर किया है। तो इसके लिए मैं सिंपल एक रॉ जो इंसर्ट करूँगा। ठीक है, ये इंसर्ट का मैंने राइट क्लिक किया, इसके ऊपर आगे इंसर्ट का बटन प्रेस किया, इंसर्ट हो गई। इनके ऊपर मैंने हेडिंग सर दी कि ये ऐसे ऐसे सीरियल नंबर हैं। ठीक है, इस कॉलम का नाम मैंने जाहिर सकते इसके अंदर नेम है तो मुझे पता है कि ये नेम है। इसमें मैंने एड्रेस सेव कर दिया और इसमें मैंने जो है वो उनके मोबाइल नंबर्स वगैरह जो है वो सेव कर दिए। ठीक है, मैंने टाइप कर दिए। अब ये जो मैंने शीट बना ली है, ठीक है, तो इसको जो है हम फॉर्मेट भी करेंगे, तो इसकी मैं खूबसूरती भी पैदा करेंगे, लेकिन वो तमाम तमाम चीज़ें जो है वो हम आगे करेंगे। ठीक, फिलहाल हमने एक छोटी सी शीट बनाई है जिसके अंदर जो आपने देखा कि हमने सीरियल नंबर दिया, हमने नेम दिया, हमने एड्रेस दिया, हमने मोबाइल नंबर दिया। ठीक, इनके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने फीड कर दी। ठीक, इनको हम आराम से इस शीट का नाम भी हम रख सकते हैं, हम यहाँ पे इस शीट पे आगे राइट क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पर आ रहा है रीनेम, हमने शीट को मतलब इसका नाम डिफॉल्ट में शीट वन है क्योंकि हमने अपने दोस्तों के नाम से बनाया है, तो हम इसको रख सकते हैं कि ये फ्रेंड फ्रेंड लिस्ट है। ठीक, मैंने फ्रेंड लिस्ट टाइप किया, एंटर किया, तो शीट का नाम जो चेंज हो गया कि आगे ये फ्रेंड लिस्ट आ गया। अब हम इस शीट को देखें और इसको हमें हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये मुझे पास स्क्रीन फाइल वाली स्क्रीन पे आ जाएगा जिसमें मैंने मुझे सेव के ऑप्शन पे आ गया। और मैंने सेव के ऑप्शन पे जैसे ही मैंने एंटर किया, ठीक है, मुझे जगह पूछ रहा है कि कहाँ सेव करनी है। मैंने जगह मेरे पीसी पे सेव करनी है, कहाँ सेव करनी है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है। ठीक है, डेस्कटॉप पे जैसे ही नाम आया मैंने उसका नाम रख दिया कि माई फर्स्ट शीट। ठीक, माई फर्स्ट शीट माई फर्स्ट शीट के नाम से सेव हो जाएगी। अब इसके नीचे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सेव एज टाइप्स आ रही हैं, यानी कि शीट को आप जो है वो किस उसमें सेव करना चाहते हैं। आप इसको जो है वो एक्सेल की वर्कबुक में सेव करना चाहते हैं, एक्सेल की जो वो मतलब एक्सेल इसको आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, इसको आप जो दूसरे और फॉर्मेट में। फिलहाल हम जो जिस उसमें करेंगे वो सिंपल एक्सेल की शीट है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ एक्सटेंशन होते हैं, दूसरी चीज़ होती हैं, वो हम आगे देखते रहेंगे।
सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्सेल शीट हमारे पास सेव हो गई। और इसकी ऑथेंटिकेशन क्या हुई है, ऐसे कह सकते तो मेरे जहाँ पर भी नेम आ रहा था वहाँ पर जो मैंने नाम दिया था वो नाम यहाँ पर सेव हो गया। ठीक, तो नाजिम इसमें हमने आज के लेसन के अंदर हमने ये देखा कि हम एक्सेल की शीट एक्सेल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका छोटा सा इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर जो है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारा काम कर सकते हैं, ऑफिस से रिलेट कर सकते हैं, स्कूल से रिलेट कर सकते हैं। तो वक्तन का वक्तन मैं आपको जो है वो इस शीट को जो है वो इन्हेंस करना सिखाऊंगा, इनके अंदर मॉडिफिकेशन सिखाऊंगा, इनके अंदर जो उनको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल पर जाऊँगा कि आप अपना छोटा सा काम करना चाहें छोटा सा काम कर लें, आप ऑफिस के लिए इस्तेमाल करना चाहें या जो आप ऑफिस के टास्क वगैरह हैं वो पूरा करना चाहें तो वो भी आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, बस इसके बाद हम आइंदा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिससे जिसे मैं आपको जो है वो इसकी एक्सेल की और ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उनके बारे में बताऊंगा, आपको उस फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा कुछ और चीज़ें, ताकि आप ये शीट जो है वो आपको और खूबसूरत लगे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस छोटे से लेक्चर से आप अभी तक ये जान चुके होंगे कि हम जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे फीड कर सकते हैं। और इसकी अपना और जो ओवरव्यू ओवर मतलब इसका एक लुक है वो कैसा है, उसको हम जिन जिन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजर्स अल्लाह हाफिज़, जब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।